फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी एच के राइट टाइम. मैं डॉक्टर तेजी सन्हा, पीएचडी न्यूट्रिशन फ्रॉम इंडिया. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गट्टे की सब्जी. गट्टे की सब्जी माय स्टाइल, बिकॉज मैं हूँ एक सरदारनी हु हैज बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन राजस्थान. तो मेरा बहुत सारा खाना जो है वो राजस्थानी है बट पंजाबी टेंच के साथ. आप ये रेसिपी देखिए और एक बार बनाइए जरूर, और फिर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि रेसिपी कैसी बनी. बनाने के लिए चाहिए हमें बेसन, दही, तेल, अजवाइन, सौंफ और बेसिक घर के मसाले जैसे नमक, लाल मिर्ची, धनिया और कोरिएंडर पाउडर. बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन को थोड़ा सा मलेंगे हाथ से, उसमें दही, तेल और सभी मसाले डाल देंगे और उसको अच्छे से मिलाएंगे. पहले जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम हल्का सा पानी डाल के एक कड़क आटा गूंथ देंगे. गट्टे बेसिकली राजस्थानी क्यूजीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम इसको बाटी के साथ भी खाते हैं, परांठे के साथ भी खाते हैं और चावल के साथ ही बहुत स्वाद लगते हैं. तो हम धीरे धीरे इसका आटा गूंदेंगे. ध्यान रखिए बहुत कड़क आटा नहीं, बट हाँ पूड़ी जैसा आटा गूंदेंगे और आटा इतना गूंदना है कि जब उसमें क्रैक्स आने बंद हो जाएं. इस आटे को हमको 2 से 3 मिनट लग जाते हैं गूंदते हुए और बहुत सॉफ्ट सा आटा, एज इन बहुत मुलायम सा आटा गूंद जाता है येट कड़क. जो राजस्थानी वेरिएशन है उसमें प्याज, अदरक, लहसुन नहीं डलता है, बट जब मैं पंजाबी तरीके से बनाती हूँ इसको तो मुझे हर खाने में अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर चाहिए, इसीलिए ये गट्टे थोड़े से वैरायटी में है. अब ये देखिए आटा गुन गया है, हम इसकी 4 लोई में उसको डिवाइड कर लेंगे. बर्तन में पानी लीजिए और उसको बॉइल कीजिए. अब ये जो लोई बनाई है इसको हल्का सा हाथ में घी लगा के हम इसको रोल करेंगे और रोल देके ये शेप देंगे उसको. आप देखिए एक बड़े से रोल की शेप आ जाती है और हम इसको प्लेट में ही रोल करते हैं हल्का सा घी लगा के हाथों में. गट्टे खाने में बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं क्योंकि ये बेसन से बने हुए हैं. बेसन इज चिकपी फ्लोर, चने का आटा होता है तो इसमें प्रोटीन्स बहुत होते हैं. अब ये देखिए पानी उबल गया है तो हम इसमें एक एक करके अपने गट्टे सब डाल देंगे और इसको ढकना नहीं है, ये खुले गैस पे बनते हैं और अभी ये नीचे बैठे हुए हैं. जैसे जैसे ये पकेंगे ये ऊपर आ जाएंगे. ग्रेवी के लिए हमें अदरक, लहसुन और प्याज को बारीक बारीक काटना है. इसको बहुत पेस्ट नहीं बनाना है, देखिए ऐसे दरदरा सा रहेगा. इसमें आधा टमाटर ही डालते हैं हम. ये देखिए साइड में गट्टे उबलते जा रहे हैं और ये भी धीरे धीरे ऊपर आ गए हैं. किसी एक में हल्का सा क्रैक भी रहेगा बट दैट्स ओके. और अभी इसके पूरे पकने में टाइम है. पैन में हम घी लेंगे, उसमें तेज पत्ता डालेंगे, हींग डालेंगे और राई डालेंगे. इसके अलावा ज़्यादा मसाले नहीं डालते क्योंकि गट्टे का अपना ही अलग स्वाद है क्योंकि उसमें अजवाइन और सौंफ डली हुई है. अब हम इसमें वो दरदरा सा प्याज, अदरक, लहसुन डाल देंगे और इसको गोल्डन होने तक पकाएंगे. इतने ही घी में अच्छे से पक जाएगा. गोल्डन होने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे और सारे मसाले इसी स्टेज पर डाल देंगे. मैं अपने खाने में बिल्कुल भी गरम मसाला नहीं डालती हूँ. ये बिल्कुल यही 4 मसाले हैं जिससे सारा खाना बनता है. इसमें वही 4 मसाले डले हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर. और हल्दी हमारे खाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हम इंडियंस का, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहती है. ये देखिए हमारे गट्टे उबल गए हैं और आप देखिए इसमें छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स बन गए हैं. इसका मतलब है कि गट्टे अब आपके बनके तैयार हैं. आप गैस बंद कर सकते हैं और इनको थोड़ी देर पानी में ही रखे रहने दीजिए. अब गट्टा करी के लिए मैंने 1/2 कप दही लिया है, उसमें 1 कप पानी डाल के उसको पतला किया है ताकि वो फटे नहीं जब हम उसको पकाएंगे. जब दही और पानी बहुत अच्छे तरह से मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसको मसाले में डालेंगे अपने. ये देखिए हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है. उसको अलग करेंगे थोड़ा सा. उसमें पहले 1 ग्लास प्लेन पानी डालेंगे ताकि टेम्परेचर नीचे आ जाए और साथ के साथ ही हम उसमें दही ढका पानी डाल देंगे. जो दही से पानी मिलाया है हमने वो मिला के इसको वापस से गैस पे चढ़ा देंगे और तब तक चलाते रहेंगे जब तक वो उबलना ना शुरू हो जाए. ऐसा करने से दही फटता नहीं है और प्याज और मसाले के साथ अच्छे से पक जाता है. अब
ये देखिए बहुत अच्छे से ये उबलना शुरू हो गया है और दही कहीं भी दही फटा नहीं है। इसमें हमने बेसन नहीं डाला है। इस समय इसमें हम कस्तूरी मेथी भी डाल देते हैं। ये देखिए हमने गट्टे अलग कर दिए थे पानी से और ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब देखिए इनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, दैट मीन्स दिस इज फुल्ली डन। इसको छोटे छोटे पीसेस में काट के हम अलग करेंगे और फिर से उसी पानी में डाल देंगे ताकि ये नरम रहें और ड्राई नहीं हो। तो उस पानी में डाल दिया, पानी गर्म था और अभी हमने देखा कि हमारी ग्रेवी तैयार है, तो अब हम ये पानी गट्टे समेत इसमें डाल के पकाएंगे। ध्यान रहे खाने का स्वाद तभी आता है जब वो मध्यम आंच में पका होता है। लीजिए जी आपकी स्वादिष्ट पंजाबी राजस्थानी गट्टा करी तैयार है। इसको सिर्फ 5-6 मिनट और पकाना है और आप इसको खाइए बाटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ। आई होप यू लाइक द रेसिपी। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बनी। ऐसी और हेल्दी और इनोवेटिव रेसिपीज के लिए डू कीप ऑन लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट अपडेट फॉर ऑल माय वीडियोस। टिल माय नेक्स्ट वीडियो स्टे हैप्पी स्टे सेफ। बाय बाय।